जो झाड़ियां हैं ये मुख्य रूप से आपके जहाँ शीतकालीन बरसात होती है उस क्षेत्र में पाई जाती है। घास जहाँ थोड़ी अधिक मात्रा में बरसात होती है उस क्षेत्र में घास उगता है। वनों में जो सवाना और मरुस्थलीय वन है उसमें जहाँ वर्षा की मात्रा में परिवर्तन होता है, कमी आती रहती है, उस क्षेत्र में क्या है कि मरुस्थलीय क्षेत्र की झाड़ियाँ हैं ये मुख्य रूप से उगती रहती है। तो सवाना और जो मरुस्थलीय घास आपकी झाड़ियाँ हैं इसमें वर्षा में परिवर्तन के साथ साथ में इसमें कमी देखने को मिलती है। इन सब में सर्वाधिक जो परिवर्तन होता है वो आपका क्या बताया कि तीन कारक हैं, जलवायु, धरातल और मृदा। इसके अलावा इसे दक्षिण अफ्रीका में ये देखा गया है कि इन सब कारकों के अलावा जो मानव है ये मानव भी क्या करता है कि इसमें बहुत अधिक एक्सेप्ट करता है। इस एक्सेप्ट के कारण से क्या है इस वनस्पति में बहुत अधिक परिवर्तन लाता है। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें सर्वाधिक परिवर्तन कौन लाता है, आज में मानव। मानव क्या करने लगा है, इसे जो प्राकृतिक वनस्पति है इस प्राकृतिक वनस्पति वाले क्षेत्र में एक्सेप्ट करने के कारण से इस वनस्पति में परिवर्तन होने लगा है। मानव वनस्पति को जलाकर और अतिचारण से मानव क्या करता है, एक तो वनस्पति को जला देते हैं, जलाकर या अतिचारण, इस अतिचारण के कारण से और जलाकर, इन दोनों क्रियाओं के कारण से इसे जो क्षेत्र है वनस्पति क्षेत्र है प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र है इसमें नाटकीय परिवर्तन करता रहता है। मानव इन दोनों क्रियाओं के कारण से ही जो वेल्ड में वेल्ड क्षेत्र है उसके उष्ण वनस्पति विलुप्त हो रही है और इसका जो भाग है पूर्व की ओर फीसवास और कारू झाड़ियां हैं इसका विस्तार होने लगा है। मुख्य रूप से क्या है कि जो वेल्ड वाला क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है ये इसमें कमी आ रही है वेल्ड वाले क्षेत्र में और इसकी जगह पर क्या है कारू झाड़ियां है इसका विस्तार है ये बढ़ता जा रहा है। तो मानव क्या है कि इस प्राकृतिक वनस्पति में बहुत अधिक परिवर्तन कर रहा है और परिवर्तन करने के कारण से फीसवास और कारू झाड़ियां ये बढ़ती जा रही है इसका विस्तार है। ये पूर्वी क्षेत्र है इस पूर्वी क्षेत्र की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है इसमें परिवर्तन आ रहा है। इसके साथ साथ में सर्वाधिक जो परिवर्तन आया है वो केप प्रांत में आया है। ये केप प्रांत में सबसे अधिक देखने को मिला है। इतना भी जो परिवर्तन आया मानव के हस्तक्षेप के कारण से जो सर्वाधिक हस्तक्षेप होने के कारण से जो वनस्पति में सर्वाधिक परिवर्तन आया है वो केप प्रांत में है। केप प्रांत में सर्वाधिक परिवर्तन देखने को मिला है। दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से यदि वनस्पति की बात करें तो सर्वाधिक जो वनस्पति है उसमें ये सात करीब आपकी वनस्पति है ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है। उसमें पहला आपका है ये निम्नलिखित वनस्पतियां हैं ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। इसमें पहला आपका है उष्ण कटिबंधीय वन, ये वन को दो भागों में बांटा है, मैग्रोव वन है, उष्ण कटिबंधीय जो तटवर्ती वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है आपके। तीसरा आपका है स्कैरियो हाइलस वनस्पति झाड़ियां हैं, सवाना वनस्पति है, जो घासी मैदान है, कारू झाड़ियां और वनस्पति मरुस्थली झाड़ियां हैं, और सातवां आपका है भूमध्य सागरीय जो वनस्पति पाई जाती है वो वनस्पति। इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका की जो वनस्पति है प्राकृतिक वनस्पति है उसको मुख्य रूप से अपने सात भागों में बांटते हैं। एक एक भाग का अपन अध्ययन करेंगे। इसमें पहला जो आपका है एक नंबर पर वनस्पति है उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन है ये मुख्य रूप से वनस्पति में जहाँ तापमान अधिक होता है वहां पर ये वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति में जो वनस्पति का विस्तार पाया जाता है ये मुख्य रूप से क्या है, ये देखो ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है, इससे पूर्वी तटीय क्षेत्र पर ये मुख्य रूप से जो उष्ण कटिबंधीय वन है उसका विस्तार है ये मुख्य रूप से पाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो इसका दक्षिण अफ्रीका का जो पूर्वी तट है इसमें पाया जाता है और इसके साथ साथ में इन वनों का जो विस्तार है ये परकीर्ण रूप में फैला हुआ है जगह जगह पर। ये देखो आपको दिख रहा है इसमें आपको चित्र में दिख रहा होगा इसमें ये देखो ये जगह जगह परकीर्ण रूप से फैला हुआ है। तो जो दक्षिण अफ्रीका है उसका जो पूर्वी भाग है उस पर आपके उष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार पाया जाता है।
तो उष्णकटिबंधीय वन है ये, मुख्य रूप से जो दक्षिण अफ्रीका है उसके पूर्वी तटीय भागों में पाया जाता है। वनों का प्रकीर्ण टुकड़ों के रूप में यत्र तत्र दिखाई देखने को मिलता है। यहाँ जहाँ आपके बरसात की मात्रा क्या है, 87 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, जहाँ बरसात की मात्रा आपके 87 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहां ये वन पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। लेकिन शीतकाल की जो शुष्कता हो जाती है, इस शुष्कता को जो शीतकाल है, शीतकाल में यहाँ शुष्क मौसम रहता है, तो शुष्क मौसम होने के कारण से वो ये वर्षा के उत्पन्न होने में, वर्षा के क्या है कि दशाओं में पैदा करने में बाधा उत्पन्न करता है। उस भागों में क्या करते हैं कि कोहरे के कारण से इस शुष्कता को दूर करते हैं, और धरातलीय जो कमी आ जाती है, जल में कमी आ जाती है, इस जल की कमी को पूर्ति करने के लिए कोहरे से ये शुष्कता दूर कर ली जाती है, और धरातल जल की कमी का प्रभाव है वो वनस्पति पर नहीं पड़ता है। तो जहां पर उच्च क्षेत्र हैं वहां पर क्या होती है, कोहरा पड़ता है, और कोहरा पड़ने के कारण से जहाँ शुष्कता जाती है धरातल में, इस शुष्कता की कमी को पूर्ति करने के लिए कोहरे से जो जल प्राप्त होता है, इस जल की कमी का प्रभाव है ये कम कर दिया जाता है। कमी का प्रभाव जो आपका क्या है कोरे से, तो शुष्कता के कारण धरातलीय जल में कमी आ जाती है, इसके प्रभाव को कम किया जाता है। कोरे की जो नमी की मात्रा लेकर जहाँ जो उच्च स्तर है वहां पर क्या कर लिया जाता है कि कोरे के कारण से जो शुष्कता है उसमें कमी लाई जाती है। तो ये उष्ण कटिबंधीय जो आपके वन है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। पहले मैग्रोव वन है, और दूसरा उष्ण कटिबंधीय आपका जो तटवर्ती क्षेत्र है उसके जो वन है ये दूसरे प्रकार के। जो उष्ण कटिबंधीय वन है इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, मैग्रोव वन, और दूसरा है उष्ण तटवर्ती वन। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। जो मैग्रोव वन है ये मुख्य रूप से ये स्थान है, देखो डरबन, डरबन के जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से मैग्रोव वन है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो दूसरा उष्ण कटिबंधीय वन है ये दो प्रकार के हैं, जिसमें पहला आपका है मैग्रोव वन, मैग्रोव वन है ये डरबन स्थान आपका है, डरबन याद रखना। डरबन का जो उत्तरवान भाग है, डरबन के जो उत्तरी तटीय प्रदेश है, डरबन के उत्तरी तटीय भाग में मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है जो तट के समानांतर है। ये देखो ये डरबन स्थान है, डरबन के जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां मैग्रोव वन पाए जाते हैं। तट के समानांतर स्थित ये रेत के टीलों पर, रेत के जो टीले पाए जाते हैं, इन रेत के टीलों पर ये मुख्य रूप से समुद्र के वाले भाग है, ये समुद्र की ओर से हवाएं आती है, तो उसके समानांतर यहाँ से समुद्र की हवाएं आती है, तो ये टीले हैं इन टीलों के समानांतर ये क्या है वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है। तो दर्पण के जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी तटीय भाग है यहाँ मैग्रोव वन पाए जाते हैं। तट के समानांतर स्थित रेत के टीलों पर समुद्र की ओर से आने वाली हवाओं के प्रभाव से, समुद्र के आने वाले प्रभाव जो हवा है इसके प्रभाव से जो टीले बढ़ जाते हैं, और इन टीलों पर क्या है कि ये मैग्रोव वनस्पति है ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनका जो नाटिकल और गांठदार वृक्ष पाए जाते हैं ये आपके नाटिकल और गांठदार, गांठदार होते हैं, छोटे कद के होते हैं वृक्ष, ये वृक्ष होते हैं। ये जो डरबन है, डरबन के जो उत्तरी भाग है डरबन का, उसके समुद्र तट से हवाएं आती है, हवा आती है, तो इसके समानांतर जो रेत के टीले बन जाते हैं, इन रेत के टीलों पर समुद्र की ओर से आने वाली हवाओं के प्रभाव से जो नाटे कद के और गांठदार वृक्ष वाले ये वन पाए जाते हैं मुख्य रूप से। इन प्रकार के जो वृक्ष हैं ये अनेक प्रकार के क्या है आपके जो मरुद्विद प्रकार की वनस्पति है ये मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाई जाती है। जो मरुद्विद प्रकार की वनस्पति है ये यहाँ पर अनेक प्रकार के छोटे छोटे आपके क्या है कि वृक्ष पाए जाते हैं, इसमें लताएं पाई जाती है, अनेक प्रकार की लताएं, बेल है, बेल भी इस क्षेत्र में पाई जाती है, लताएं भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की जो सागर के निकटवर्ती भाग में ये जो वनस्पति है ये मरुद्विद,
मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति है, मौसमी प्रकार की वनस्पति है, इसमें जो गुण है ये मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और वनस्पति है इसमें आंशिक रूप से क्या है कि इसमें रेत की रेत पर पाई जाने वाली वनस्पति है, जो स्थिर वनस्पति है वो आपकी क्या है, जहाँ रेत के स्थिर टीले हैं वहां पर आपको वनस्पति पाई जाती है, और जहाँ जो स्थानांतरित रेत है उस पर लताएं पाई जाती है। क्या हुआ, जहाँ स्थिर रेत है वहां तो वनस्पति पाई जाएगी, और अस्थायी स्थानांतरित जो क्षेत्र है स्थानांतरित रेत के टीले हैं वहां पर क्या पाई जाएगी, लताएं। इस प्रकार से ये जो मेग्रो वनस्पति है ये डर्बन के उत्तरी भाग में पाई जाती है, और इसमें जो समुद्री प्रभाव के कारण से ये रेत के टीले बन जाती हैं तट के समानांतर, वहां पर ये वनस्पति मुख्य रूप से उगती है। ये छोटे कद की होती है, नाटे कद की होती है, गांठदार वनस्पति के वृक्ष पाए जाते हैं, और इसमें मुख्य रूप से लताएं पाई जाती है, बेल पाई जाती है। ये सागर के जो निकट पाए जाने वाले जो वनस्पति है ये मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और इसमें क्या है कि जहाँ पर आंशिक रूप से स्थायी तो पाया जाता है रेत के टीले जो स्थायी रूप से पाए जाते हैं, वहां पर आपकी क्या है कि स्थायी जहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं वहाँ वनस्पति उगती है, वन उगते हैं वहां पर, और जो स्थानांतरित रेत वाले क्षेत्र हैं वहां पर क्या है लताएं उगती है। दूसरा आपका जो उपोषण कटिबंधीय वन है उसमें दूसरा आपका है उपोषण तटवर्ती वन, उपोषण तटवर्ती वन है ये भी आपके क्या है इस तट के समानांतर आपके जो तट है इसके समानांतर आपके पाए जाते हैं वो उपोषण तटवर्ती वन है। विशिष्ट जो उपोषण तटवर्ती वन है ये कुछ किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी में आपके तट के समानांतर पाए जाते हैं। जो विशिष्ट ये विशिष्ट उपोषण तटवर्ती वन है ये मुख्य रूप से आपके इस बेल्ट के सारे सारे इस क्षेत्र में मुख्य रूप से आपके क्या है ये वृक्ष पाए जाते हैं, ये वनस्पति पाई जाती है। विशिष्ट उपोषण तटवर्ती वन है ये कुछ किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। इन वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो अनेक स्तर में अनेक स्तर पाए जाते हैं, और साथ साथ में इसमें सघन आपकी झाड़ियां और लताएं भी पाई जाती हैं। वृक्षों के साथ में वृक्ष पाए जाते हैं, लताएं पाई जाएंगी और झाड़ियां पाई जाएंगी। इसमें मुख्य रूप से आपकी क्या है ये वृक्ष मिलती है तट के समानांतर कई दूर तक, ये तट के सारे सारे चौड़ाई में पाए जाते हैं, और इसमें क्या है मुख्य रूप से ये वृक्ष हैं लताएं हैं और झाड़ियां हैं इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। वृक्ष अधिकतर क्या है आपके सदा हरे हरे भरे रहने वाले सदा बहार हरे भरे, ये हरे भरे और सदाबहार वृक्ष हैं, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। इनका जो कद होता है ये छोटा होता है, इन वृक्षों का जो लंबाई होती है कद छोटा होता है, इन वृक्षों का जो आकार होता है ये छोटा होता है, और इनमें कहीं कहीं क्या है कि बीच बीच में क्या है बड़े आकार के वृक्ष भी पाए जाते हैं। ग्रीष्म काल में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ग्रीष्म काल में ये अपनी पत्तियां गिराते हैं। मुख्य रूप से क्या है इस प्रकार की वनस्पति है ये ग्रीष्म काल में अपनी जो पत्तियां गिराती है, इसमें वाटर बेरी मुख्य रूप से क्या है ये वाटर बेरी है, जंगली केला है, ये मुख्य वृक्ष में आपका वाटर बेरी है, जंगली केला है, इसमें कसीना है, ये मुख्य इसमें वृक्ष पाए जाते हैं, प्रमुख पौधे हैं यहाँ के, इसमें वाटर बेरी है, जंगली केला है, कसीना है, ये प्रमुख पौधे हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि यहाँ पर गन्ने की कृषि की जाने लगी है, इस हेतु भूमि को साफ करके वनों को काटा जाता है और भूमि को साफ किया जाता है। वर्तमान समय में क्या है इस क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है, अब गन्ने की खेती की जाती है तो इसे जो उपोषण कटिबंधीय वन क्षेत्र है इसके वनों को काटा जाता है और उसको साफ किया जाता है, और यहाँ पर गन्ने की खेती है ये कृषि की जाने लगी है। गन्ने की खेती के लिए यहाँ भूमि प्राप्त की जाती है इसलिए वनों को साफ किया जाता है, और साथ ही जो गन्ना मिल है
गन्ना मिल है, इस गन्ना मिल में जो ईंधन चाहिए मिलों को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, तो ईंधन प्राप्ति के लिए वनों को काट लिया जाता है, वनों को काटा जाता है। इन वनों में कुछ अब अवशेष मात्र रह गए हैं, बाकी वनों को साफ कर दिया गया है। इन वनों का कुछ अवशेष मात्र ही रह गया है, शेष रह गया है। वनों के स्थान पर आप छोटे छोटे क्या है कॉर्न बेल्ट, वनों के स्थान पर क्या आ गया है जो वन है उष्णकटिबंधीय वन है, इनके स्थान पर कॉर्न बेल्ट। ये कॉर्न बेल्ट जो आपकी क्या है वनस्पति पाई जाने लगी है, कॉर्न बेल्ट अब उगने लगी है छोटी छोटी क्या है कि वनों के स्थान पर छोटे छोटे कॉर्न बेल्ट लगाई जा रही है, जिसमें घास है आपकी है झाड़ियां है वनों का मिश्रण पाया जाता है। इस ऐसे में इसमें सभी प्रकार का आपका घास भी है, घास झाड़ियां वन ये सभी प्रकार के साथ में लगाए जाते हैं, मिश्रण रूप से लगाए जाते हैं। एक नदी है यहाँ पर टुगेदा, नदी का नाम क्या है टुगेदा, यहाँ नदी पाई जाती है टुगेदा। इस टुगेदा नदी के उत्तर की ओर जहां बलुई मिट्टी पाई जाती है, जहां बलुई मिट्टी पाई जाती है वहां पर क्या है कि उपोषण कटिबंधीय वनों के स्थान पर अब जुल्लू लैंड आपके पोम वेल्ड पाए जाते हैं। पहले यहां पर क्या है कि उपोषण कटिबंधीय वन पाए जाते थे, उनके स्थान पर टुगेला नदी है। इस टुगेला नदी के उत्तर की ओर जो आपका स्थान है वहां बलुई मिट्टी जहां पाई जाती है वहां उपोषण कटिबंधीय वनों को काट दिए गए हैं और उसका स्थान पर जुल्लू लैंड, इस यहां पर जुल्लू लैंड पॉम वेल्ड पाया जाता है। जुल्लू लैंड पॉम वेल्ड जो वृक्ष हैं या जो झाड़ियां हैं ये मुख्य रूप से पाई जाती है, जुल्लू लैंड पॉम वेल्ड पाए जाते हैं। ये उलझे हुए झाड़ियां हैं, वन है, पॉम वृक्ष भी है इसमें और जंगली अंजीर है आपके इसमें और जंगली खजूर है ये मुख्य रूप से यहाँ लताएं हैं, जंगली जंगली केला है ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये टुगेदा नामक आपकी यहाँ पर नदी है, टुगेदा नदी के उत्तर में जहाँ बलुई मिट्टी पाई जाती है उन पाई जाती है वहां पर क्या है उपोषण जो ये कटिबंधीय वन है, उपोषण कटिबंधीय जो तटवर्ती वन है उनके स्थान पर ये जुल्लू लैंड पॉम वेल्ड ये वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों में क्या है उलझे हुए वृक्ष हैं, ये उलझे हुए वृक्ष पाम वृक्ष है इसमें, जंगली केले और आपके क्या है खजूर ये मुख्य वृक्ष। दूसरी प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें शीतोष्ण सदा फलदार हरे वन जो आपके हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय सदा हरे भरे वन दूसरी प्रकार की वनस्पति है जो दक्षिणी केप से जहां वर्ष भर आपके समान रूप से बरसात होती है, ये मुख्य रूप से क्या है आपका दक्षिणी केप से जहां वर्ष भर हमेशा बरसात होती रहती है, शीतकाल में शुष्क दशाओं में उच्च आर्द्रता जो होती है उस आर्द्रता से आर्द्रता को समन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शुष्क दशाएं हैं शीतकाल में शुष्क दशाएं होती है और शीतकाल में शुष्क दशाओं का उच्च जो सापेक्ष आर्द्रता है उसके द्वारा समन किया जाता है, उसके द्वारा कमजोर कर दिया जाता है और उसकी आर्द्रता को बनाए रखा जाता है। तो शीतकालीन शुष्क दशाओं का उच्च सापेक्ष आर्द्रता द्वारा समन किया जाता है। शीतोष्ण सदाबहार वन मुख्य रूप से जो हरे भरे पाए जाते हैं वर्ष भर हरे भरे पाए जाते हैं, यहाँ शीतोष्ण सदाबहार वन हरे पाए जाते हैं वन के रूप में पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति मुख्य रूप से क्या है ये वृहद स्कार्पमेंट, यह मुख्य रूप से क्या है आपके वृहद स्कार्पमेंट। वृहद स्कार्पमेंट कौन सा क्षेत्र है,
ये वाला भाग है और ये वाला भाग, वृद्ध स्कार्पमेंट वाला भाग है। यहाँ मुख्य रूप से जो उच्च भाग है उसमें ये वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है। ये स्थिति मुख्य रूप से कहाँ है, ऐसी स्थिति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, जो वृद्ध स्कार्पमेंट वाले उच्च भाग है, वृद्ध स्कार्पमेंट वाला जो उच्च भाग है वहां पर इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है, जहाँ धुंध के कारण से आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है। जो वहाँ क्या है, जो स्कार्पमेंट वाला भाग है, वृद्ध स्कार्पमेंट का वाला भाग है, उच्च वाला भाग आपका वृद्ध स्कार्पमेंट का जो उच्च भाग है, वहां पर क्या होता है कि धुंध के कारण से आर्द्रता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। पूरब में क्या है कि जो स्कार्पमेंट है और जो महाद्वीप के प्रांत है, इस के प्रांत का जो पूर्वी भाग आता है, इस के प्रांत प्रायद्वीपीय के भाग है, पूरब में वन ये के प्रांत है, पूरब में के प्रांत से लेकर उत्तर में ट्रांसवाल तक, ये पूरब में क्या है कि के प्रांत से प्रारंभ होता है और आगे ट्रांसवाल तक ये वाला भाग आगे वाला भाग है। इसमें मुख्य रूप से कौन से शीतोष्ण सदा हरे भरे वन पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से पूरब में जो ऐसे वन है, पूरब में ऐसे वन है आपके जो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, ये पूरब में केप प्रायद्वीप मुख्य रूप से क्या है, केप प्रायद्वीप से लेकर उत्तर में ट्रांसवाल प्रांत तक, मुख्य रूप से ट्रांसवाल प्रांत है वहां तक, ये केप प्रायद्वीप है, केप प्रायद्वीप से यहां से लेकर और ये मुख्य रूप से क्या है ट्रांसवाल प्रायद्वीप तक का भाग है, उस उत्तरी भाग ट्रांसवाल वाला भाग है, उत्तरी ट्रांसवाल वाले भाग तक ये भाग है, ये विस्तृत है। मुख्य रूप से जो शीतोष्ण सदाबहार वन है, ये मुख्य रूप से क्या है आपके जो पूरब में के प्रायद्वीप की, पूरब में जो के प्रायद्वीप है, इस के प्रायद्वीप से लेकर आपके उत्तर में उत्तरी ट्रांसवाल तक का जो विस्तृत क्षेत्र है, वहां पर क्या पाए जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदा हरे भरे वन पाए जाते हैं, लेकिन मानव द्वारा इनका लगातार अत्यधिक विनाश किया गया है। और आज ये क्या है, ये इसे जो आपका दक्षिण अफ्रीका देश है, इसके जो कुछ संरक्षित स्थानों पर ही अवशेष मात्र रह गए हैं या अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, अधिकांश भाग का क्या है मानव द्वारा इनका क्या कर दिया गया है, विनाश कर दिया गया है, मानव द्वारा विनाश। शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है उनका मानव द्वारा क्या कर दिया गया है, विनाश कर दिया गया है। इसलिए क्या है कि अब ये राज्य के जो वन न्यास आपके वन संरक्षित क्षेत्र हैं, उन वन संरक्षित क्षेत्र है वहां पर अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, इनका अत्यधिक विस्तार है, जो मुख्य रूप से क्या है न्यासवान जॉर्ज एलिस लैंडबर्ग अमाटरलेट किंग विलियम टाउन पोर्ट सेंट जॉन उत्तरी पूर्वी ट्रांसवाल बुश उत्तरी पूर्वी जो आपका ट्रांसवाल है उसका वुड बुश पर्वत इन तक इनका विस्तृत रूप से जो विस्तृत रूप से इनका विस्तार जो पाया जाता है, इनका जो विस्तार पाया जाता है ये मुख्य रूप से आपके क्या है जो वन न्यास आपका पाया जाता है वो न्यासाना आपका मुख्य रूप से क्या है कि न्यासाना जॉर्ज एलेनबर्ग अमाटा लोटा किंग विलियम टाउन पोर्ट सेंट जॉन और उत्तरी पूर्वी ट्रांसवाल का वुडबुश पर्वत पर मुख्य रूप से इन जो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है इनका विस्तार पाया जाता है। ये अधिकांश आपके क्या है कि सदा हरे भरे रहने वाले वन है, इन वनों की सर्वाधिक जो ऊंचे वन है ये आपके 45 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो ऊंचे वन जिनकी ऊंचाई है ये आपकी क्या है 45 मीटर तक ये वन पाए जाते हैं, ऊंचाई तक ये वन पाए जाते हैं। इन वनों के सर्वाधिक जो ऊंचे वृक्ष हैं, वृक्षों की अधिकतम ऊंचाई क्या है 45 मीटर, जो अधिकतम ऊंचाई इन वृक्षों की है
वो 45 मीटर है, औसत ऊंचाई है इनकी वो आपकी 9 मीटर से लेकर 21 मीटर तक, जो औसत ऊंचाई है इनकी वो आपकी 9 मीटर से लेकर औसत ऊंचाई, वृक्षों की जो औसत ऊंचाई है वो 9 मीटर से लेकर 21 मीटर के मध्य पाई जाती है। और ये अधिकांश वृक्ष हैं, इनकी पत्तियां साधारणतया हरे रंग की होती है, पत्तियां इनकी क्या होती है हरी होती है, पत्तियां मुख्य रूप से क्या आपकी गहरी हरे रंग की होती है, पत्तियां मुख्य रूप से गहरे हरे रंग की होती है, ऊपरी परत होती है वो चमकदार होती है, ऊपरी परत चमकदार, ऊपरी परत है वो चमकदार होती है। और इनमें कुछ पत्ती होती है उसमें मोम जैसा आवरण पाया जाता है, पत्तियों के ऊपर मोम जैसा आवरण, पत्तियों के ऊपर मोम जैसा आवरण पाया जाता है। कुछ पत्तियां ऐसी होती है वो आगे क्या होती है कि गहरे रंग की होती है, चमकदार पत्तियां होती है, कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिस पर मोम जैसा आवरण पाया जाता है। ये वन सघन होते हैं और इनकी जो मुख्य रूप से क्या है कि वृक्ष अधिक ऊंचे होते हैं तो क्या है कि नीचे वाला भाग है वहां तक क्या है इसका जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, अतः जो तलीय वनस्पति होती है तलीय वनस्पति पर फर्ण नामक वनस्पति पाई जाती है, तटीय भाग है उस पर जो तलीय भाग है उस पर फर्ण नामक जो वनस्पति है ये मुख्य रूप से पाई जाती है। इन वनों में महत्वपूर्ण वन है वो आपके शंकुधारी वन है, शंकुधारी इनमें वृक्षों में मुख्य रूप से जो वृक्ष पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके शंकुधारी वन, मुख्य रूप से इनमें शंकुधारी वन है। और उसमें इन शंकुधारी वनों में भी पीत वन या आपके जो येलो वुड ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं, इसमें जो पीत वन है या ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं पीत वन है, येलो वुड है ये सबसे महत्वपूर्ण वन है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं कि क्योंकि इनकी जो ऊंचाई होती है वो आपको क्या है 30 मीटर तक पाई जाती है। और ये महत्वपूर्ण इनकी क्या है लकड़ी होती है वो मूल्यवान होती है। और इन वृक्षों के साथ साथ में जो आपके जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है सदाबहार वन है इनके साथ साथ चौड़ी पत्ते वाले वन भी पाए जाते हैं।